बंगाल में चुनावी समर चरम पर है। कल तीसरे चरण का मतदान 30 सीटों पर होना है, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने अपनी रैली को रद्द कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह की असम में दो रैलियां प्रस्तावित थी, लेकिन नक्सली हमले के चलते दोनों रैलियों को रद्द कर दी गई है। उन्होंने कहा, अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, दोनों ओर नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जवानों के परिवार को नमन करता हूं, जवानों की शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि ये खबर कल की है, लेकिन वही दूसरी तरफ चुनावी राज असम में बीजेपी नेता के पत्नी के गाड़ी में ईवीएम पकड़ा गया है। इस घटना के सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया। राज्य में 6 अप्रैल को आखिरी चरण में चुनाव होने हैं। इस मामले में 4 चुनाव अधिकारी को निलंबित भी किया जा चुका है, लेकिन एबीपी न्यूज के खबरों के अनुसार पश्चिम बंगाल में जोर शोर से विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटी मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं अपने एक पैर पर बंगाल जीतूंगी और भविष्य में मैं अपने दो पैरों पर दिल्ली में जीत हासिल करूंगी। हालांकि कल बंगाल में 31 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी का बयान आना प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनौती के जैसे है। लेकिन इससे पहले ममता भी ईवीएम पर आरोप लगाकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा की थी। चुनावी बयानबाजी वैसे तो हर बार तीखी और जहरीली होती है, लेकिन बंगाल के चुनाव में नस्तर जैसे बयानों की कुछ ज्यादा ही भरमार है, चाहे टीएमसी हो या बीजेपी। एक दूसरे पर आरोप मढ़ने की होड़ कुछ ऐसी है कि नेता सारी सीमाएं लांघने को तैयार है। लिहाजा चुनावी समर है, सभी राजनीतिक दल जनता से झूठे वादे और दावे करेंगे, राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाएगी, लेकिन ईवीएम धांधली पर क्या कुछ सामने आता है इस पर पूरे देश की नजर है। लेकिन एक बात तो साफ है, अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो ममता की सरकार लुढ़कती हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।